3, 2, 1, वेलकम। अगर आपको छुक छुक गाड़ी से ट्रैवल करना पसंद है तो आपके लिए नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। 15 जून का कड़क मॉर्निंग सुना रहा हूँ, मैं हूँ सूफी आपके साथ, आपके शहर के फेवरेट रेडियो स्टेशन FM तड़का पर। और इंडियन रेल से सफर करना अगर पसंद है आपको तो चलिए बात कराते हैं आपकी बहुत ही खास इंसान से। नमस्कार, मैं हूँ शशि किरण, मुख्य जनसंपर्क अधिकारी उत्तर पश्चिम रेलवे, और आप मुझे सुन रहे हैं FM तड़का पर। वेलकम टू द शो सर, वंस अगेन। इंडियन रेलवेज और इंडियन रेल कर्मी इतने सारे हैं, इनफैक्ट दुनिया में शायद सबसे ज्यादा है। कैसे मेंटेन रख पाते हैं अपना कोऑर्डिनेशन? हाउ आर दे एबल टू डिलीवर द बेस्ट ऑलवेज? ये रेल कर्मी, जैसा मैंने बताया, ये हमेशा जो है प्रयासरत रहते हैं, और बहुत ही डेडिकेटेड टीम है हमारे यहाँ उत्तर पश्चिम रेलवे में। पूरे भारतीय रेल की मैं संचालन व्यवस्था की बात करूँ तो अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं जिनका सबका अपना अपना रोल होता है। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट होता है, उनका मेंटेनेंस का रोल होता है, ट्रैक मेंटेन करते हैं वो। मैकेनिकल डिपार्टमेंट है जो कि रोलिंग स्टॉक को मेंटेन करता है। इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है जो कि ओवरहेड इलेक्ट्रिकल वायर होती है उनको मेंटेन करता है। सिग्नल डिपार्टमेंट, तो ऐसा करके टोटल जो विभाग है उन सबके बेहतरीन समन्वय से ही ये कार्य हो पाता है। और बहुत बड़ा लार्ज फोर्स है, जो कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है, ये सब एक हमारे महाप्रबंधक श्री विजय शर्मा जी जो है वो काफी लगातार इन चीजों की मॉनिटरिंग करते हैं, और उनके कुशल नेतृत्व से ये काम हो रहा है कि हम पंक्चुअलिटी में और बहुत सारे फ्रंट पे नंबर वन पे चल रहे हैं। थैंक यू सो मच सर फॉर शेयरिंग सच वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन ऑन द शो। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि अगर आप इंडियन रेलवेज के टाइमिंग्स के बारे में और ट्रेन्स की सूचना के बारे में अपडेटेड रहना चाहते हैं तो एक ऐप है, उसे डाउनलोड कीजिए, सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। दिस ऐप इज कॉल्ड NTES, नेशनल